आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है एनले का लूप और लिखा गया है मूत्र का संधारण। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एनले, एनले का लूप और आगे की ओर है मूत्र का संधारण। तो लिख लेते हैं मूत्र का संधारण। इनका सीधा सीधा समानुपातिक संबंध होता है। यदि हेनले के लूप की लंबाई अधिक होती है तो क्या होता है, लंबाई, हेनले के लूप की लंबाई और मूत्र का संधारण जो है इसका सीधा सीधा समानुपातिक संबंध है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा मूत्र का की सांद्रता, मूत्र की सांद्रता से सीधा समानुपातिक संबंध है। यदि हेनले के लूप की लंबाई अधिक होती है तो क्या होगा, अधिक जल का पुनरावशोषण होता है। हेनले के लूप की जो अवरोही भुजा होती है वह जल के लिए पारगम्य होती है और उसके द्वारा अधिक मात्रा में जल का पुनरावशोषण होता है और मूत्र जो है अत्यधिक सांद्र होता है। और यदि हेनले के लूप की लंबाई जो है यह कम होती है तो मूत्र की जो सांद्रता है यह कम होती चली जाएगी, अर्थात मूत्र जो है तनु होगा। तो हमारा जो ये दिया गया है ऑप्शन, ये तो मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये तो सुमेलित है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है हमारे पास दूरस्थ कुंडलित नलिका और आगे की ओर लिखा गया है ग्लूकोज तथा अमीनो अम्लों का अवशोषण। तो ग्लूकोज तथा अमीनो अम्लों के अवशोषण की बात की जाए तो यह समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। तो यहां हम लिख लेते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा, कुंडलित नलिका के द्वारा लगभग संपूर्ण ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल का सक्रिय अवशोषण या सक्रिय पुनरावशोषण हो जाता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें ये जो दिया गया है ये मेल नहीं खा रहा है, ये सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है बोमेन संपुट और लिखा गया है ग्लोमेरुलर निस्यंदन। तो बोमेन संपुट और जो केशिका गुच्छ होता है जिसे कि ग्लोमेरुलस कहा जाता है, वे दोनों मिलकर मेल पिगियन काय का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है इसे। तो लिखेंगे यहाँ बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस अर्थात जो केशिका गुच्छ होता है। तो लिख लेते हैं ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलकर मेल पिगियन काय का निर्माण करते हैं या फिर इसे कहा जाता है मेल पिगियन कनिका। तो हम यहाँ लिख लेंगे मेल पिगियन कनिका का निर्माण करते हैं और मेल पिगियन कनिका ही परा निस्यंदन के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहां हम लिख लेते हैं यही परा निस्यंदन के लिए, परा निस्यंदन के लिए उत्तरदायी है जिसे ग्लोमेरुलर निस्यंदन भी कहा जाता है। तो ये भी मैच कर रहा है, जो बोमेन संपुट है यह ग्लोमेरुलर निस्यंदन से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी गलत होगा, क्योंकि ये भी मैच कर रहा है, अच्छे से सुमेलित है। ऑप्शन हम देखते हैं डी को, इसमें दिया गया है संग्राहक नलिका और आगे की ओर लिखा गया है अंतराकाशी परासरणता को बनाए रखना। तो संग्राहक नलिका जो है यह क्या होता है स्टूडेंट्स, यह वलकुट से मध्यांश की ओर गति करती हुई जाती है। तो मध्यांश की ओर जब यह बढ़ती है तो मध्यांश में है यह यूरिया को क्या करेगी, यूरिया के लिए पारगम्य हो जाती है और इसमें जो उपस्थित यूरिया है वह हल्की मात्रा के अंदर अंतराकाशी तरल जो होता है उसमें चली जाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं संग्राहक नलिका से यूरिया जो है, यूरिया यह निकलकर अंतराकाशी, तो हम यहां लिखते हैं अंतराकाशी जो तरल होता है, मेडुलरी फ्लूइड जो होता है, अंतराकाशी तरल में पहुंच जाती है जिससे कि अंतराकाशी परासरणता जो है बनी रहती है, इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी भी कहा जाता है इसे, जिससे कि जो जल अवशोषण है उसमें सहायता होती है, जिससे कि जल अवशोषण जो है या जल का पुनरावशोषण जो है यह आसानी से हो जाता है। तो ये भी मैच कर रहा है, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।